नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके लिए रेलवे एलपी की सीबीटी 2 में जो पार्ट ए में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट बात कर रहे हैं। तो परसों आप लोगों ने इसका चेतक प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, कल आपने सेकंड देखा, और आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। काफी शानदार क्वेश्चन हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं। उन 15 क्वेश्चन का आंसर आपको खुद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है, या तो आप उन 15 क्वेश्चन को याद कर डाले, क्योंकि हर एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट करा देंगे और इस तरीके से आपके पास कुल मिला के 700-800 हम लोग क्वेश्चन करा देंगे। इससे बाहर आपके शायद ही कुछ आए और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को लेकर हम लोग आते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तो सभी के सभी क्वेश्चन आपके हिंदी में ही हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको इंग्लिश में भी लेके आएंगे। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा इंग्लिश टाइपर है वो गया हुआ घर दिवाली की छुट्टियों में, तो जैसे ही वो आ जाएगा तो हम आपको पूरी चीजें इंग्लिश में भी कराना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। उससे पहले आपको ये बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जहां पे मैंने कई सारे पहले से ही कोर्सेज करा रखे हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आप सबके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हम वहां लेके आते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप आंसर खुद दोगे, खुद आंसर को याद करोगे, तो आप सबके लिए बेनिफिट होगा कि आपको उसके आंसर बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि एक्टिव फिल्टर जो परिपथ होता है, एक्टिव फिल्टर परिपथ, जिसकी पिक्चर आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हो, इसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग आंसर्स कमेंट करेंगे। जैसे पहला आंसर है, आप पहले का ए लिख के, पहले का बी लिख के, पहले का सी लिख के, पहले का डी लिख के, इस तरीके से कोई भी आंसर आप बता सकते हैं। कि जो एक्टिव फिल्टर परिपथ होता है, उसमें सिर्फ हम लोग कुंडली का यूज कर लेते हैं, या फिर कुंडली और आपका जो संघारित्र यानी जो कैपेसिटर है दोनों का यूज करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, या फिर डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। सही आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और देखिए, मैंने देखा कई सारे चैनल्स वाले मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, भैया इसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन आपको ये चीज तो पता ही है। अगर ये चीज नहीं पता तो हम आपको फिजिक्स के लिए मैंने अनअकैडमी कई सारे कोर्सेज बना रखे, जिसमें मैंने आपको सभी चीजें कवर करा दी है, वहां से आप देख लीजिए। लेकिन जो आपको पढ़ना मेन, आपकी मेरिट जो है इन क्वेश्चन पे बनेगी, ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। अगर आप यही क्वेश्चन कर दोगे तो आपकी मेरिट बन जाएगी। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर पर बात करेंगे। तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, डायोड एवं ट्रांजिस्टर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पर हम लोग बात करेंगे। किसी तरंग के लिए आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये आपसे पूछा कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर क्या होता है, अगर हम लोग किसी तरंग के लिए बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का अगर आप वेवलेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस तरंग का हमें बल पता चल जाता है, कि उस तरंग का जो फोर्स है, जो बल है, वो कितना है। अब तरंग के बारे में आपको कुछ डिटेल में और बता देते हैं कि तरंग के कितने टाइप होते हैं। तो तरंग की टाइप की अगर आप बात करोगे तो माध्यम के आधार पर देख सकते हो, माध्यम के कणों में जो कंपन होता है उसके आधार पर आप देख सकते हो, ऊर्जा के गमन के भी आधार पर आप देख सकते हो कि तरंग कितने प्रकार का होता है। अब जैसे माध्यम के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक और यांत्रिक तरंग, उसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब अगर कंपन की बात करेंगे, जो आप लोगों ने पढ़ा होता हमेशा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होता है, ऊर्जा के हिसाब से बात करेंगे तो प्रगामी और अप्रगामी होता है। ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना, बहुत बेहतरीन तरीका है। सभी चीजों को आप समझोगे तो काफी अच्छा आपको पूरा का पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगा, और लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कोई नहीं कर पाता वो हम आपको कराएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, बाकी जो कर रहे हैं वो तो आप करो ही करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे बात करेंगे, 1 किलोहर्ट्ज़ जो आवृत्ति जो होती है उसकी वेवलेंथ कितना होता है, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, पहला ऑप्शन है 3×10^5, 3×10^6, 3×10^7, 3×10^8। सभी लोग तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन लिख के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए, 3×10^5 मीटर। किसकी, 1 किलोहर्ट्ज़ जो आवृत्ति होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 3×10^5 मीटर। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ट्रैक्शन कार्य के लिए कौन सी डीसी मोटर उपयुक्त होती है। अगर आपको ट्रैक्शन कार्य करना है तो किस डीसी मीटर, देखिए डीसी मोटर बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, तो मैंने आपको इसीलिए पिक्चर में दे दिया होता है ताकि आपके लिए चीजों को रिलेट करना, चीजों को समझना, एक पिक्चर के थ्रू जब आप चीजों को समझोगे तो बड़ी आसानी से चीजों को आप समझ जाओगे। तो अगर ट्रैक्शन कार आपको करना है, ट्रैक्शन एक तरह का होता है वर्क, मैं आपको इसके लिए बता दूंगा, अगर कोई वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं खास तुम, लेकिन मैं आपको कहोगे तो बता दूंगा। इसके लिए कौन से डीसी मोटर का यूज करते हैं, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो एक डीसी सीरीज है इसका हम लोग यूज करते हैं, ना है कि डीसी कंपाउंड का यूज आप नहीं करोगे, एक स्टंट होता है उसका भी यूज आप नहीं करोगे, बाकी स्टेपर मोटर का यूज तो नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आता है माइक्रोवेव के ऊपर, कि माइक्रोवेव बैंड में
संचार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? माइक्रोवेव बैंड में अगर आपको संचार क्षेत्र यानी कि अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपको यूज करना हो तो किस चीज़ का आप यूज करोगे? भू उपग्रह संचार का यूज कर दोगे, या फिर पहाड़ की चोटी पर स्थापित जो ऊंचे प्रेशर एंटेना उससे आप उसका लिंक करोगे, या फिर माइक्रोवेव लिंक से करोगे, या तो कि आप सभी के सभी का यूज करोगे? सही आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, सही आंसर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये चीज़ आपसे हमेशा से बताई है कि आपको ये चीज़ समझना है कि अगर ये चीज़ याद रखिए, कभी भी क्या होता है, अगर आपको लगातार क्वेश्चन पूछता है, वो जैसे मानिए अगर आपसे लगातार ये कहता है कि भैया सभी के सभी ऑप्शन सही हो, तो मैक्सिमम जो 88% तक के चांसेस होते हैं कि जो सभी वाला दिया होता है ना वो सही होता है। कितने चांसेस होते हैं? 88%। और ये काफ़ी बड़ा पार्ट है आपके लिए आंसर को कमेंट करना, आपके लिए आंसर को बताना। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, छठे क्वेश्चन पे। 3000 से लेके 30000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति परास में प्रति 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थापित ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डिश एंटीना युगलों का संजाल जो है वो क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा, 20 से 30 किलोमीटर की बात हो रही है, मेगाहर्ट्ज अगर आप फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो 3000 से लेकर 30000 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। जो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग डिश एंटेना युगल है उनका जो संजाल होता है वो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आप सभी को ऑप्शन दिख जा रहे होंगे, ऑप्शन आपको कमेंट करना है कि ऑप्शन क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकने वाला क्वेश्चन है। तो वो कहलाता है माइक्रोवेव लिंक। पिछला क्वेश्चन में माइक्रोवेव वाला ऑप्शन नहीं था तो यहाँ उसने माइक्रोवेव लिंक वाला ऑप्शन जो है वो दिया है। अगला आता है विमान, आप देख सकते हो काफी बच्चे इसमें खुश हो गए होंगे। शत्रु विमानों की पूर्व सूचना देने वाला डरार जो है तो क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए अगर कोई भी जहाज अमेरिका में जाता है, जैसे मानिए अगर रूस की बात करेंगे, अगर अमेरिका का कोई भी शत्रु विमान रूस के अंदर घुसता है तो रूस में कई सारे रडार लगे होते हैं कि वो देखते रहते हैं कौन सा विमान घुसा है कौन सा विमान नहीं घुसा है, तो उन्हें सच चीज़ पता रहती है। तो जो रडार का यूज होता है शत्रु विमान के लिए वो कौन सा रडार होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं DEW रडार, यानी कि ड्यू रडार। ठीक है, ड्यू रडार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है जो वर्नियर कैरिपर्स होता है, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये किस चीज़ का बना होता है? तो मध्यम कार्बन स्टील का बना होता है, या एकदम हार्ड, या फिर हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या फिर एकदम लो कार्बन स्टील का बना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी बात हो रही है? जो वर्नियर कैलिपर्स आप लोगों ने देखा होगा, इसका यूज भी शायद कई लोगों ने किया होगा अपने सारी प्रैक्टिकल वगैरह में, ये इसमें जो होता है ये किसका बना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो सही आंसर होता है एकदम हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है, नहीं तो ये टूट जाता आसानी से। ठीक है, क्योंकि इसका यूज काफ़ी खतरनाक तरीके से लिए है, तो इसीलिए आप इसको समझ सकते हो। अगला आता है किसी धारा मापी को अगर ओल्ट मापी में आपको परिवर्तित करना है तो इसके लिए जो हम लोग श्रेणी प्रतिरोधक के मान की गणना करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन को आप लोग जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आपके लिए चीज़ें को रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको किसी धारा मापी को ओल्ट मापी में चेंज करना है तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RS बराबर RM इंटू VS डिवाइड बाई VM। ठीक है, RS RM VS VS ये चीज़ आपको रिलेट करनी है। तो RS आपको निकालना था, RS ही आपको करना था क्योंकि ओल्ट मापी में करना था, तो RS ही आपको चेंज करना था। तो RS को कैसे चेंज करेंगे? इस तरीके से RV अपान V। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको बता दें, कई बच्चों को फॉर्मूले में दिक्कत, अगर S कहेगा तो ऊपर हम S वाला रखेंगे V का, अगर R कहेगा तो यहाँ पे तो अगर मानिए M कहेगा तो ऊपर हम V का M वाला रखेंगे। ठीक है, बाकी वाला नीचे रख देंगे। किन मशीनों की फाउंडेशन जो है वो भूमि पर नहीं होती? आपने देखा होगा कई सारी मशीनें हैं जिसको उन्होंने ज़मीन में ऐसे लगा दिया, पूरा फाउंडेशन जमीन में उसको सीमेंटेड कर देता है, लेकिन कई सारी ऐसी मशीनें होती हैं जिसकी फाउंडेशन आप भूमि में नहीं कर सकते। तो कौन सी मशीनें हैं भाई? जो हॉरिजॉन्टल वाली ड्रिल मशीन आती हैं। ठीक है, जो देखिए हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल में ड्रिल मशीन, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली ड्रिल मशीन होती है उसको आप लोग ज़मीन में फाउंडेशन नहीं कर सकते, वो होगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अगले पे आते हैं हम लोग। अगला आता है कि BA, BSF, BSW और अमेरिकन ये सब किसके टाइप हैं? एक प्रकार का चीजल है, एक प्रकार का डाई है, एक प्रकार का टैप है, एक प्रकार का डिल है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए एक प्रकार की ये सब टैप हैं, BA टैप, BSF टैप, BSW टैप या फिर अमेरिकन टैप, तो ये सब क्या है? एक प्रकार के टैप हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का टैप जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगर आपको कीले जो है, कीले आदि वगैरह आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपको कीले वाले निकालने हैं तो आप लोग किसका यूज करोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर आपको कीले वगैरह निकालना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? पिंसर प्लायर का,
लॉन्ग नोज प्लायर का, ठीक है, प्लायर आपको फोटो अगर मेरे पास अभी तो है नहीं लेकिन मैं प्लायर दिखा दूंगा, अगर आपको मेरे पास फोटो मिलेगी अगली वीडियो में दिखा दूंगा, आप लोग वहां से देख के थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें को रिलेट करना में आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा पिंसर प्लायर, ठीक है, पिंसर प्लायर जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पर हम लोग बात करते हैं, अगला आता है कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त का जो नियम है यानी विद्युत वाहक बल की जो दिशा के संबंध में क्या चीज़ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्वेश्चन, दाएं हाथ से क्वेश्चन आया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से भी क्वेश्चन आता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से यहाँ पर आपको मिलता है। क्वेश्चन ये कहता है कि फ्लेमिंग का जो दाहिना हस्त का नियम है प्रेरित विद्युत बहाल बल की दिशा के संबंध में निम्न में से किससे सह संबंध स्थापित करता है, जो प्रेरित विद्युत बहाल बल की दिशा है। ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब सभी लोग ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन में काफी पढ़ा था, मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ऑप्शन को पढ़िए फिर बताइए कि सही आंसर क्या है। सभी लोग ऑप्शंस को बताइए, पढ़ के बताइए। चलिए इसका सही आंसर होता है चुंबकीय अभिवाह गति की दिशा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि माध्यम की चुंबकीय ग्रहणशीलता की परिभाषा निम्नलिखित में से किसके अनुपाता से दी जाती है। चुंबकीय ग्रहणशीलता की जो परिभाषा होती है वो किससे दी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसकी तीव्रता और उसके क्षेत्र छक शक्ति, दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, हर एक वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं। एक मानक है 25 वाट का बल्ब और 60 वाट तापक के साथ सीढ़ी में स्थापित है, ठीक है, यदि इस बल्ब को एक 60 वाट के बल्ब द्वारा हम बदल दें, 25 वाट का बल्ब है, 750 वाट आपका टेम्परेचर है, तापक है, लेकिन अगर हम लोग 25 को 60 से कर दें जो ये तापक है ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी, ठीक है, तापक जो है 750 वाट का। तो देखिए अगर आप बल्ब का वाट बढ़ा दोगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग बल्ब का वाट बढ़ा दोगे तो ये भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 25 का अगर वो 750 लग रहा है तो 60 के लिए और ज्यादा लगेगा। कैसे निकालेंगे, 750 डिवाइड बाई 25 इंटू 60, तो 25 चौका 100, 6 इस तरीके से आप 25 या 75 और 36 1800 लगभग आ जाएगा, तो 1800 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, सभी के सभी आपका क्वेश्चन खत्म हो गए, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते